इस गाड़ी से हमारे काफी काम हुए, भले हमें ये थोड़ी महंगी पड़ी थी बट इसका पर्पस सर्व हो चुका है। इसमें ठीक ठाक है, मतलब इंडिया में इससे अच्छे हो जाते हैं। तो मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज का दिन, और मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज एक्चुअली हमको अपनी कार रिटर्न करनी है, तो हमें कार रिटर्न करने जाना है। उससे पहले हमारे एक दो काम है वो भी करने। तो हम निकल चुके हैं घर से, अब पेट्रोल भराने आए हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप में खुद ही पेट्रोल भरना होता है। अलग अलग ऑप्शन है इसमें, लेडेड अनलेडेड। कुछ बताओगे? कुछ नहीं, गैलन के हिसाब से पेट्रोल डालते हैं। मतलब पहले अपना कार्ड डाल लो, फिर इनमें से जो भी तुम्हें सेलेक्ट करना है, 87, 89, ये सब इनके अलग अलग तरह के वो हैं, लेडेड अनलेडेड ये सब चीज़ें। इधर डीजल का है, ये वाला पेट्रोल का है। तो ध्यान रखना यही होता है कि डीजल उठाया तो डीजल भरो, पेट्रोल उठाया तो पेट्रोल ही भरो। गलत भर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद इसको भरो, ये बंद करो, इसको रख दो। गाड़ी का साथ ख़त्म होता है यहाँ पे। और हमने ये गाड़ी इसलिए ली थी क्योंकि हमको लाइसेंस बनाना था और रिटर्न टेस्ट देना था और ड्राइविंग टेस्ट देना था, तो वो उसका पर्पस सर्व हो चुका है। और मेरे बर्थडे पे शिकागो भी जाना था। और अनुराग के बर्थडे पे हम जाना नहीं था, वो तो बन गया प्लान शिकागो डाउन टाउन जाने का। ही गॉट 28 मार्क्स आउट ऑफ 30। एक बार का ऊबर राइड में केवल मेरे ऑफिस के लिए, जो कि केवल 20-15 मिनट पे। माइल्स कितना है तुम्हारा यहाँ से ऑफिस? माइल्स तो भाई है 8 अराउंड 8 माइल्स। 8 माइल्स का आप 8 माइल्स का लगाओ $40-50 एक दिन का, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ऊबर का। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कार ले लें अपनी। आपको मैंने जो मेरा फर्स्ट और सेकंड डे का वीडियो बनाया था ना, उसलिए जहाँ पे हमने पहले घर देख रहे थे ना, तो वो वहाँ का था। तो वहाँ पे क्या इशू हुआ था हमारे साथ कि हमने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फीस दी थी और प्लस हमने एक और फीस दी थी, एप्लीकेशन फीस दी थी। तो वो टोटल हमारी थी $500 वहाँ पे रूम, बट जो हमारे पैसे थे $500 वो हमारे वहाँ पे फंस चुके थे। करे तो इट्स लाइक 45,000 to 50,000 है ना, इसके बीच में है वो करेंसी। तो 50,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं पूछने कि उन्होंने कौन सा पेमेंट मेथड यूज किया है। Onto Whitehall Drive, then your destination will be on the right. हम लोग बात करके आ गए हैं। दो लोग थे जब हम लोग घर ले रहे थे, एक पॉल था और एक कर्टिस था। कर्टिस इज अ बैड गाय, पॉल इज अ गुड वन। तो उन्होंने थोड़ी हेल्प करी हमारी। $500 में से $395 हमको रिटर्न होगा, बट वो भी बहुत है। ठीक है, $100 something अगर कट भी जाएगा तो इट्स ओके। और जिस दिन भी मैं बाहर जा रही हूँ ना, उसी दिन इतना विंडी हवा चलना और बारिश जैसा मौसम होना, ये चल रहा है। ये स्टेबल है, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। सारे हॉर्सेस यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सीगल्स भी पार्किंग जोन में अपना एंजॉय कर रही हैं। इनका तो अपना ही स्वैग है, जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मौसम देख रहे हो, इतने काले बादल आए हुए हैं, पता नहीं कितनी बारिश होने वाली है। माय गॉड,
अमेजोन का सामान था मैंने लिया, इसको रिटर्न करने आए हैं कोल्स में। पहले पकड़ो इसको, पकड़ो, चलो इसमें लिखा है कि आज कई चीज़ों में 20% ऑफ है, तो वो देखो 20% ऑफ अगर तुम्हें कुछ लेना है तो। और मुझे पक्का विश्वास है तुम पे कि तुम्हें कुछ ना कुछ खरीदने के लिए मिल ही जाएगा 20% ऑफ में। मिल तो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं यार टेबल, वो छोटा वाला। हाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही फैंसी लग रहा है ना, मुझे बहुत सिंपल सा चाहिए उसके लिए। कितने के हैं? 3 pair है। कितना 3 pair का कितना है? $18, ये $14। $18 तो वहाँ पे सस्ते नहीं थे नाइकी क्लियरेंस में? वहाँ कितने थे? मैं तो प्लम यूज करती हूँ प्रोडक्ट, मुझे यहाँ पे मिलेगा नहीं वो, यहाँ पे सारे यहाँ US के प्रोडक्ट्स हैं। तो हम गर्नी मिल्स पहुंच गए हैं, गर्नी मिल्स में हमको अपनी कार रिटर्न करनी है और मुझे आज यहाँ पे आईब्रो भी करवानी है। लेट्स सी आईब्रो का कितना प्राइस है यहाँ पे। बट ये मॉल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं और बहुत सारे ब्रांड भी हैं, बड़ा मॉल है ये। बाय बाय कार, बाय बाय। व्हाट इज दिस? किसी को पता है ये किस चीज़ का प्लांट है और फ्रूट है? वाइल्ड चेरी लग रही है, वाइल्ड चेरी। ये तो वो है यार, ये तो वो है शायद। नहीं नहीं सेम वही था। नहीं सेम नहीं है, दूसरा है ये। बेरीज तो नहीं है? ऐसी लगती है यार बेरीज शायद। अभी वो लोग चेक करने गए हैं कि गाड़ी ठीक है, उसमें कोई इशू तो नहीं है, अदरवाइज वो हमें फी पेमेंट करना पड़ेगा, ब्रोकन चार्जेस। तो इस मॉल की ना मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग इंडियंस हैं, मतलब इसे मॉल के बीचों बीच में स्टॉल्स लगा रखे हैं तो वो इंडियंस लोगों ने बहुत लगाए हुए। इवन यहाँ पे जो हम आए हैं बजट में, यहाँ पे भी जो दोनों लड़के काम करते हैं वो भी इंडियन है। तो सिग्नल तोड़े तुमने? नो सिग्नल। सारा क्लियर हो चुका है और $200 हमने उसको दिए थे एक्स्ट्रा एज अ डिपॉजिट, एज अ डिपॉजिट, तो वो भी रिटर्न हो जाएंगे। ये नाइकी क्लियरेंस स्टोर है। वैसे अभी बहुत सारी चीज़ों पे सेल चल रही है ना? हाँ सेल चल रही है क्योंकि अभी लेबर डे आने वाला है, तो लेबर डे का हॉलीडे भी है यहाँ पे, लेबर डे पे सेल भी चलती है। एक्चुअली लेबर डे आ रहा है ना, तो लेबर डे पे बहुत सेल चलती है यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्काउंटेड ऑफर्स हैं मॉल के अंदर। Yeah. दो महीने भी नहीं भैया, 8 July को आए थे हम लोग, तो जस्ट न्यू। गंदी लगती है मुझ पे, बट जब धूप में जाओगे तो कैप सही रहता है, तो मैं वो ले लूँगा गर्म। हो गई तुम्हारी नाइकी से शॉपिंग? नहीं अभी तो शुरू हुई है, अभी और होगी। एडिडास में चलते हैं, 50% ऑफ लिखा हुआ है, बट मैंने अभी शूज़ ले लिए एक हफ्ते पहले। मैं अपना शूज़ देखने जा रही हूँ कि वो शूज़ सच में 50% ऑफ पे है
टिपिकल ये नहीं है टिपिकल इंडियन थिंग्स राइट टिपिकल इंडियन थिंग्स अपना जूता चेक करने जा रही हूँ इसमें है 50% ऑफ ठीक है इसमें है बट जो शू मैंने लिए है ना उसमें नहीं है मुझे खुशी हुई है जान के चल रहा है क्या हाँ ले लो $35 का पड़ जाएगा कितने का इंडिया में ही 4,000 का आता है अभी कितने का पड़ रहा है $35 कितना 3,000 के आसपास उतने का तो पड़ता है 4,000 का पड़ता है बेटे ब्रेड है यार ड्रिंक कौन सी ड्रिंक पीने तुम चॉकलेट समथिंग ऐसी होगी अच्छी होती है नहीं है ना अच्छी होती तो मैंने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी है एक दो बार पी है बट मुझे इतना पसंद नहीं आता स्टारबक्स अनुराग ने ना ये स्टारबक्स का एक ड्रिंक पिया है तो उसको बहुत अच्छा लगा तो उसने मुझे बोला कि ट्राई कर अच्छा लगेगा तो ये कुछ चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी समथिंग मिक्स है ड्रिंक इसमें ऊपर ये चॉकलेट है नीचे स्ट्रॉबेरी है इसको एक्चुअली पिंक ड्रिंक बोलते हैं ये एक्चुअली पम्पकिन मफिन है पम्पकिन मैं पहली बार ट्राई करूँगी सबवे का ट्यूना ना हम दोनों को ही बहुत पसंद है ट्यूना लेके आए ना लॉट्स ऑफ जंक फूड बर्गर किंग सबवे वैसे हेल्दी होता है ये तो नॉर्मल हो रहा है ओवरलोडेड सबवे ज़्यादा लोड नहीं कर रहा था तो आज मैंने जब मॉल में आईब्रो करवाए थे अपने तो ये हैं आईब्रो ठीक ठाक है मतलब इंडिया में इससे अच्छे हो जाते हैं तो मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ तो ये आईब्रो जो मैंने की है ये की है $12 में तो $12 इज इक्वल टू 1,000 rupees तो ये 1,000 rupees के मैंने आईब्रो करी है और मैंने अपर लिप्स करवाए $6 के विच इज़ अप्रॉक्स 500 rupees 500 rupees के मैंने अपर लिप्स कराए 1,000 की मैंने आईब्रो कराई तो इंडिया में जो 30 rupees में हो जाता है हमारा काम 30 rupees प्लस 20 rupees मैंने 1,500 rupees दिए हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा है यहाँ पे यार मुझे ना एक्चुअली आईब्रो बनानी आती नहीं है जैसे मेरी बहन है तो वो चिमटी होती है ना उससे वो बना लेती है खुद से घर पे बट मुझे वो भी नहीं आता है और एक्चुअली मेरे को बहुत डर भी लगता है हेयर वो करने में निकालने में इसलिए थोड़ा सेंसिटिव भी स्किन है मेरी तो मैं अवॉइड करती हूँ खुद से करना बट बहुत महंगा है 1,000 rupees की अगर आईब्रो मैं करवा भी रही हूँ तो वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि देख के लगे वाह क्या बनाया है इवन इंडिया में 30 rupees में भी मेरे को बहुत अच्छी आईब्रो बन के मिलती है जिसमें मतलब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है अच्छी बनी है बट यहाँ पे तो डिसअपॉइंटमेंट बाकी हमने कुछ शॉपिंग करी है लेट मी शो यू तो एडिडास से हमने ना 2 bags लिए क्योंकि इसमें ना 50% ऑफ चल रहा था तो हमने इसमें 2 bags लिए एक ये ऑफिस का बैग है और ये अनुराग ने अपने लिए लिया और ये एक मैंने लिया है ये तो मैंने ये टोट बैग लिया है मुझे एक्चुअली इस तरीके के बैग बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने ये लिया था अपने लिए और ये अनुराग के लिए लिया है मैंने और
अनुराग ने अपना बर्थडे गिफ्ट लिया है नाइकी से. एक्चुअली क्लियरेंस सेल चल रही थी बट ये क्लियरेंस पे नहीं था. ये एयर है नाइकी का और ये मैंने अपने लिए लिए हैं. कुछ सॉक्स हैं उधर, निक्कर है कुछ, और ये चप्पल नाइकी से. एक्चुअली ना ये जो आईब्रो वाली मैंने बात बता रही थी, तो मैंने ये सोचा था क्योंकि मॉल से हमने सामान ले लिया था, तो मैंने सोचा मैं अपनी कार में जब बैठूंगी तो तब मैं आपसे ये कॉन्वर्सेशन करूँगी, इस बारे में बताऊँगी आपको. बट मैं भूल चुकी थी कि मैंने गाड़ी दे चुकी है हमने, और हमको ऊबर करके अब घर वापस जाना पड़ेगा. और जब अनुराग ने पूछा कि चलो मैं ऊबर कर दूँ, तब मुझे समझ में आया कि ओके अब हमारे पास गाड़ी नहीं है, अब हमें ऊबर से जाना है. तो इसलिए मैंने ये घर में आके बनाई वीडियो. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय बाय, टेक केयर.